नमस्कार। जैसा कि आपके संज्ञान में है, पिछले कुछ दिनों में कुछ तथ्य सामने आए हैं। सर्वोच्च न्यायालय का एक ऐतिहासिक फैसला 24 जून 2022 को दिया गया, जिसमें कि ज़ाकिया जाफरी ने जो सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका प्रस्तुत करी थी उसको खारिज किया गया। उसी के क्रम में, और मैं डिटेल में बाद में आऊंगा, लेकिन कुछ टिप्पणियां जो करी गई उसके बाद खुद को जो मानव अधिकार है उसकी रक्षा करने का ठेका लेके बैठे कुछ लोग और उनका असली चरित्र सामने आया और किस तरह से देश में एक नफरत का माहौल बुना जा रहा है और इन नकारात्मक शक्तियों को कैसे विपक्ष की जो पार्टियां हैं, खासकर कांग्रेस पार्टी है, उसका संरक्षण प्राप्त है, ये भी उभर के आता है। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा, सर्वोच्च न्यायालय ने जो बात कही वो कहा, द फॉल्सिटी ऑफ देयर क्लेम्स हैड बीन फुली एक्सपोज्ड। ये जो दो दशकों से कड़ाई को गर्म रखने का एक राजनीतिक षड्यंत्र और प्रयास विश्व के सबसे सम्मानित नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चलाया जा रहा था, इसका संज्ञान देश की सर्वोच्च अदालत ने लेकर ये टिप्पणी करी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि एसआईटी ने एक थरो इन्वेस्टिगेशन करी है, थरो इन्वेस्टिगेशन हुई है। और सर्वोच्च न्यायालय का जो भाव था कि यह दुखद है कि जो भी इस एसआईटी में बहुत ही सम्मानित अधिकारी कार्य कर रहे हैं उन पे अनर्गल आरोप लगाना, उनकी रेपुटेशन को मलाइन करना, और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, इंक्लूडिंग विद द ऑडेसिटी टू क्वेश्चन द इंटेग्रिटी ऑफ एवरी फंक्शनरी इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ एक्सपोजिंग द डीवीएस स्ट्रैटेजम एडॉप्टेड टू कीप द पॉट बॉइलिंग। और इसके बाद जो कहा वो बेहद महत्वपूर्ण है, और वहीं से जो आज की प्रेस का मुद्दा है उसको मैं आपके समक्ष रखूंगा। टू कीप द पॉट बॉइलिंग ऑब्वियसली फॉर अल्टीरियर डिजाइन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ऑल दोज इन्वॉल्व इन सच अब्यूज ऑफ प्रोसेस नीड टू बी इन द डॉक एंड प्रोसीडेड विद इन अकॉर्डेंस विद लॉ। ये कोई व्यक्ति, कोई और संस्था नहीं कह रही है, ये हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि ऐसे लोग जो कानून के साथ छेड़छाड़ करते हैं, जो पीड़ितों के दर्द का एक भाव लगाते हैं मार्केट में कि उनको फायदा हो और वो रुपए कमाएं, जो झूठे हलफनामे देते हैं, जो गवाहों को बताते हैं कि तुम ये बोलो तो ये फंसेगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसी क्रम में एक एफआईआर क्राइम ब्रांच अहमदाबाद ने दर्ज करी और तीस्ता सीतलवत नामक ये जो
महिला है जो अपने आप को चैंपियन ऑफ ह्यूमन राइट कहती है, इनका सच सामने आने लगा। और ये कहना यहां गलत नहीं होगा, बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि तीस्ता शीतलवाद केवल सांप्रदायिक नफरत फैलाने का एक छोटी ब्रांच थी, उसका मेन हेडक्वार्टर वो तो कांग्रेस पार्टी में था। सीईओ तो सोनिया गांधी थी जो बताती थी कि किस तरह से आपको न्यायिक प्रक्रिया के साथ भी छेड़छाड़ करनी है। और जैसा तीस्ता शीतलवद के साथ ही रहे एक साथी थे, उनके उनके बयानों में स्पष्ट हुआ है कि ये लोग पीड़ित परिवारों की न्याय की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। इनका निशाना तो तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात के श्री नरेंद्र मोदी जी की राजनीतिक पारी को कैसे खत्म किया जाए इस पे था। और ये सवाल आज देश पूछ रहा है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो सोनिया गांधी जी तीस्ता को कह सकती हैं, तुम मुझे यशस्वी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का मान सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा, उसका गुरूर दो और मैं तुम्हें दौलत, झूठे पुरस्कार और झूठा सम्मान दिलवाऊंगी। किस तरह से इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए तीस्ता शीतलवाद पीड़ित परिवारों के समक्ष जाती हैं और उन पीड़ित परिवारों को नहीं पता कि ये जो रिश्ता बुन रही हैं तीस्ता शीतलवाद, तुम मुझे अपना दर्द दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी बदले में, मैं खुद नाम कमाऊंगी, झूठे पुरस्कार लूंगी, सर्वोच्च न्यायालय और एसआईटी को गुमराह करूंगी और अपना फायदा देखूंगी। तो पुनः सवाल उठता है कि यह रिश्ता क्या कहलाता है। और दुख की बात क्या है, जो सबसे अहम बिंदु है, हम सब जानते हैं कि पिछले 8 वर्ष से एक बड़ा बदलाव भारतीय राजनीति में आया है। यहां कोई नागरिक दूसरे से ऊपर नहीं है, वीवीआईपी नहीं है। कानून अपना कार्य करेगा, एफआईआर रजिस्टर होगी, विवेचना होगी, अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को लगेगा कि साक्ष्य और प्रमाण है तो गिरफ्तारी भी होगी। और इसी क्रम में तीस्ता शीतलवाद की गिरफ्तारी होती है। लेकिन विचित्र एक षड्यंत्र देश के खिलाफ रचने में सबसे अग्रणी भूमिका निभाती है फिर से कांग्रेस पार्टी। मैं सुन रहा था कल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, एक प्रदर्शन चल रहा था, प्रदर्शन था कि देश का लोकतंत्र खतरे में आ गया है क्योंकि तीस्ता शीतलवाद, जो कि झूठे हलफनामे देती हैं और कई और आरोप हैं जो अभी मैं आपके समक्ष रखूंगा, अगर उनकी गिरफ्तारी हुई है तो लोकतंत्र खतरे में आ गया है।
तो आज एक सवाल पूछना इस मंच से जरूर बनता है, कृपया करके श्री अजय माकन जी और जयराम रमेश जी जो वहां प्रदर्शन में दिखाई दिए, और सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इशारे के बिना तो कांग्रेस का कोई लीडर कहीं जाता नहीं है, तो आज ये पूछा जाएगा। मैंने वो टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की आपके समक्ष रखी। पहला सवाल है कांग्रेस पार्टी से कि क्या इस देश की सर्वोच्च न्यायालय में आपकी आस्था नहीं है? और ये इसलिए भी हो सकता है कि देखिए, हमने देखा किस तरह से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की सर्वोच्च न्यायालय में आस्था भी सुविधा के अनुसार होती है। उनका एक वक्तव्य है जिसमें उन्होंने कहा था, मोदी के तीन चार दोस्त देश चला रहे हैं, देश की न्याय व्यवस्था पर राहुल गांधी ने उठाए सवाल। और इसके बाद जब ये फैसला आया, बहुत पीड़ा से मैं आपके समक्ष ये बात रखता हूं, कांग्रेस पार्टी ने रीट्वीट किया जयराम रमेश का एक ट्वीट जिसमें कि ज़ाकिया जाफरी के फैसले पर पहला बिंदु मैं आपका ध्यान आकर्षित उस पर करूंगा, और वो कहता है, ज़ाकिया जाफरी मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अत्यंत निराशाजनक है। और फिर कुछ सवाल वो उठाते हैं। मैंने ये आपको राहुल गांधी का वक्तव्य और अभी की इनकी प्रेस विज्ञप्ति इसलिए दिखाई कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बात कही कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इसमें राजनीतिक विद्वेष से देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को टारगेट कर रहे हैं, दूसरी बात वो चाहते हैं कि कड़ाई जो है हमेशा गर्म रहे, सांप्रदायिक तेल से, कांग्रेस पार्टी की आग से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक हताशा भरी निराश पार्टी है, वो जानती है कि देश की जनता श्री नरेंद्र मोदी जी और भाजपा को आशीर्वाद दे रही है, तो इसीलिए इस तरह का षड्यंत्र किया जाता है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद दूध का दूध और जहर का जहर, दूध का दूध और जहर का जहर सामने आ गया। 20 साल तक श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आदर्श नागरिक क्या होता है इसका उदाहरण दिया, मामला लंबित था, सब जुडिस मैटर में एक शब्द नहीं कहा। कहा जाता है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, एंड इन दिस केस फॉर श्योर इफ दिस इज द क्राइटेरिया देन जस्टिस वॉज डिलेड, बट शोइंग हिज फर्म कमिटमेंट इन द एथोस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ही डिसाइडेड टू सर्व द पीपल ऑफ गुजरात एंड देन ऑफ आर कंट्री। आज ये सवाल पूछा जाएगा, ये दूसरा सवाल है कि जब ये अरेस्ट हुई तीस्ता शीतल वध की, अगर इनकी आस्था न्यायालय में होती तो देश की न्यायालय ने ही पुलिस कस्टडी 2 जुलाई तक तीस्ता शीतल वध की दी है, तो ऐसा क्यों है कि आपको उस न्यायालय का भी जो आदेश है वो स्वीकार नहीं है, आप प्रदर्शन करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आप मानेंगे नहीं,
जो निचली अदालत है, ट्रायल कोर्ट है, वो कहती है पुलिस कस्टडी 2 जुलाई तक दी जाती है, वो आप मानेंगे नहीं। अगर आप भारत की अदालतों को नहीं मानेंगे तो कहां की अदालत को मानेंगे? और ये क्यों हो रहा है ये बताना भी बड़ा आवश्यक है। मैंने जैसा पहले कहा कि तीस्ता शीतलवध केवल एक ब्रांच ऑफिस थी, जो हेड ऑफिस मुख्यालय था वो कांग्रेस पार्टी का दफ्तर और सोनिया गांधी खुद थी, जिनको इससे कोई मतलब नहीं था कि पीड़ितों को इंसाफ मिले। कांग्रेस पार्टी का एक ही मकसद था कि उनको राजनीतिक लाभ मिले। और इसीलिए मैं आपको दिखाता हूं कि यह रिश्ता किस तरह का था, कितनी निकटता थी। गिरफ्तारी के बाद प्रोटेस्ट करने कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स पहुंचते हैं, ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इशारे पर ही होता है। हम सब जानते हैं कि पद्मश्री का पुरस्कार जो दिया गया वो भी यूपीए कांग्रेस की सरकार में दिया गया। तो आज क्या सोनिया गांधी जी, कांग्रेस पार्टी देश से माफी मांगेगी कि जिसके लिए सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि वो अपराध कर रहा है, झूठे हलफनामे दे रहा है, लोगों को भड़का रहा है, मनगढ़ंत कहानियां प्लांट करवा रहा है जिससे कि वो किसी का राजनीतिक करियर खत्म कर सके, उसको पद्मश्री दिया गया? क्या ये सही नहीं है? कांग्रेस पार्टी को इस बात का उत्तर देना चाहिए कि तीस्ता शीतलवध की नियुक्ति, जो हाईएस्ट एडवाइजरी बॉडी है एजुकेशन की, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन कैबे, इसमें की गई। और ये तब जब हमारे देश के बच्चों का भविष्य, उनकी सोच को कैसे घृणा में बदला जाए, उनके दिमाग में नफरत डाली जाए। तीसरा तथ्य जो सबसे संगीन एक अपराध है कि एनसीईआरटी एक ऑब्जेक्शन दर्ज करती है लेकिन कांग्रेस यूपीए की सरकार 1,40,00,000 रुपया तीस्ता शीतलवध और उनकी जो कंट्रोल्ड एनजीओस ट्रस्ट हैं उनको देती है। क्या मजबूरी थी सोनिया गांधी जी कि आपकी सरकार एनसीईआरटी के विरोध के बावजूद 1,40,00,000 रुपया देती है, जिसका इस्तेमाल पीड़ितों का दर्द बेचकर तीस्ता शीतलवध एंड कंपनी विदेश जाने के लिए, अपनी सहूलियत के लिए और तमाम ऐसी चीजों में करती हैं जिसका पीड़ितों के परिवार से, पीड़ितों को इंसाफ दिलाने से कोई लेना देना नहीं है। देर आर 3 वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चंस दैट आई विल बी रेजिंग नाउ एंड द कांग्रेस पार्टी एंड तीस्ता शीतलवध, इफ दे हैव नथिंग टू हाइड एंड ऑनेस्टी ऑन देयर साइड विल कम आउट एंड रिस्पॉन्ड टू। द फर्स्ट,
were you booked for fraudulently obtaining 1.4 crores for your trust and other entities during the UPA Congress government between 2010 to 2013? And is it not correct that your own aide filed a complaint against you? And as I had earlier also mentioned, the NCERT had objected to this. But this objection was overlooked because the agenda was not to ensure that effective education is imparted to the youth of the country. The agenda was that these funds are used for the sinister design plotted by Sonia Gandhi and Teesta Sitalwad and similarly situated persons against Shri Narendra Modi ji. The second is also very serious. Teesta Sitalwad should answer, did her NGO trust Sabrang Communication receive $200,000 in violation of the FCRA norms? Foreign funding le rahi hai. जो FCRA का कानून है उसका पालन नहीं कर रहे. And it is also pertinent to point out that again the courts of the country refuse to interfere in the action taken by the agency when they froze the account of Teesta Sitalwad and all trust controlled by her. The third is related to human rights. A person who claimed to champion the cause of human rights need to answer today. All the observations made in the Honorable Supreme Court's judgment are very serious in nature. Did you tutor witnesses to target political leaders like Shri Narendra Modi ji? This sinister design by you needs to be explained. It is also borne out that false affidavits were filed by Teesta Sitalwad and people working for her. The contents of the affidavit were also not made known to the person signing it. It had to suit the story of Teesta Sitalwad. And this is a crime under the Indian Penal Code. And thus the action. Now if law is taking its own course, why should anybody come out to cry foul and say democracy is in danger? Every citizen should have faith in the judiciary of the country. There are legal remedies and law, and it is a known fact that either the Teesta Sitalwad and similarly situated people have moved the courts and their pleas have been rejected, or knowing the seriousness of the charges against them and knowing that these charges are true, they have decided not to move the court. If they had an iota of defense in their favor, they would have moved the court. And I will end by only exposing the hypocrisy of the Congress party, the left, that we recently saw in the National Herald case, when members of the Gandhi Parivar
are out on bail and the investigating agency is trying to question them, the defense given by the Congress party for justifying their violent protests, spitting on police personnel, manhandling them was that the Gandhi Parivar is innocent till proven guilty. But for Shri Narendra Modi ji, their standard of judging has been that Shri Narendra Modi ji is guilty even if proven innocent. And this hypocrisy will not be tolerated. Thank you. I would first request all journalists, if anyone has a question pertaining to the aspects that I have covered in my press conference, please feel free to ask me a question on that. मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं. इससे बेहतर शब्दों में ये बात नहीं कही जा सकती थी. सबसे पहले तो आपकी आस्था देश के सर्वोच्च न्यायालय और बाकी न्यायालयों में क्यों नहीं है, और क्या आपकी आस्था सहूलियत देखती है कि कोई फैसला अगर आपके पॉलिटिकल एजेंडा को सूट करता है तो उसकी वाहवाही करेंगे, और नहीं करता है तो आप सर्वोच्च न्यायालय और न्यायालय पे सवाल उठाएंगे. और दूसरी बात, ये जो एक साजिश रची गई है, किस तरह से जैसा मैंने आपके समक्ष रखा, ये रिश्ता यही कहला सकता है जहां पे श्री नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि उनका आदर पूरे विश्व में है, जब मुख्यमंत्री थे तो पूरे देश में सबसे यशस्वी मुख्यमंत्री माने जाते थे, तो ये एक षड्यंत्र रचा गया कि उनका सम्मान, उनकी प्रतिष्ठा तुम मुझे दो और बदले में हम झूठे पुरस्कार, झूठा सम्मान और झूठे पद आपको देंगे जिसके आप काबिल नहीं. देखिए, पहले तो जो मुकदमे उन पे चल रहे हैं वो न्याय संगत तरीके से चलेंगे, और वो आगे क्या करेंगी ये उनका हक है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा. लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, किसी की हत्या हो जाए ये दुखद है. आप उसको बाजार में बेच के धन अर्जित करें, इससे ज्यादा जघन्य अपराध नहीं हो सकता. जिस तरह की कहानियां गढ़ी गई वो आप सबके समक्ष हैं, मैं उनको दोहरा नहीं रहा हूं. लेकिन मैं उनसे एक बात जरूर कहूंगा, जैसा मैंने कहा, दूध का दूध और जहर का जहर हो गया. आज वो न्यायालय जाके अपनी बात रखें, जनता के बीच में अपनी बात रखें, और उसके बाद न्यायालय तय कर देगा कि जो विवेचना चल रही है ये कितनी गंभीर है या इसमें तथ्य कमजोर है. और उनसे बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है जिसने सत्ता को साधन बनाया राजनीतिक बदला लेने के लिए, जो ये भूल गई कि परम कर्तव्य होना चाहिए कि पीड़ितों को न्याय मिले. वो लोगों के दर्द में भी अपना राजनीतिक स्वार्थ ढूंढ रहे थे, और आज जब ये सवाल पूछ रहे हैं तो इस उम्मीद से पूछ रहे हैं कि वो बाहर निकल के आएंगे और देश की जनता को बताएंगे कि पद्मश्री से लेके
एडवाइजरी बोर्ड जो एजुकेशन का है उसमें स्थान दिया गया, 1,40,00,000 रुपए टैक्स पेयर का जो दिया गया उसका आधार क्या था? एनी अदर क्वेश्चन ऑन दिस? देखिए, कोई अपने आप को स्वघोषित फैक्ट चेकर बता दे उससे वो फैक्ट चेकर नहीं हो जाता, बल्कि अगर इनका पास्ट देखे तो बड़ा ही चेकर्ड है। और चेकर्ड क्यों है मैं बता दूं। पहली बात, कोई न्यूज एजेंसी हो, पत्रकार हो, फैक्ट चेकर हो, उसका सम्मान है, लेकिन जो वो फैक्ट चेक करेगा या न्यूज दिखाएगा वो सेलेक्टिव नहीं हो सकती। वो किसी पॉलिटिकल दल और किसी समुदाय को सूट करे और किसी और को टारगेट करे, ये निष्पक्षता भी नहीं है और ये पैमाना भी नहीं है। दूसरी बात, ये जो चेकर्ड फैक्ट चेकर हैं, इनके कुछ ट्वीट ऐसे हैं जो एक बहुत बड़ा वर्ग है हिंदू समाज का, उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं। तो अगर आप अपने आप को फैक्ट चेकर बुलाते हैं या न्यूज से रिलेटेड कार्य करते हैं, तो आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, आम नागरिक से ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी आपकी होती है कि आप किस तरह का कंटेंट डाल रहे हैं। तीसरी बात, ये जो पॉलिटिकल दल बाहर निकल कर आ रहे हैं, और इसको अगर आप तीस्ता शीतलवाद के मामले से जोड़ के देखें, यह एक इकोसिस्टम है, जहरीला इकोसिस्टम, जिसमें दोस्ती इस बात की नहीं है कि हम कुछ अच्छा कर दिखाएंगे, देश हित में सत्य बाहर लाएंगे। यह रिश्ता यह कहलाएगा, तुम भी पाप करो हम भी पाप करें, अगर पकड़े जाएं तो पहले पापी को दूसरा पापी बचाएगा। और चौथी बड़ी बात बोल के अंत करूंगा, इस देश में संप्रभुता से बढ़ के कुछ नहीं है। जब आप अपने निजिक और राजनीतिक स्वार्थ के लिए विदेशी ताकतों का इस्तेमाल करते हैं और साथ लेते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि आपका जो मूल चरित्र है वो देश हित में नहीं है, वो अपने लाभ के लिए काम कर रहा है। और कोई भी मुलजिम होगा तो इस देश की जो पुलिस है, जांच एजेंसियां हैं, वो अपना काम करेंगी। पिंजरे का तोता जमाना अब खत्म हो गया है, और इस देश में विश्व की सबसे मजबूत न्यायिक प्रक्रिया और न्यायालय है, वो अपना कार्य करेंगे। धन्यवाद।